A block of mass 50 kg is pulled up a straight hill and passes through a point A and B with speed 7 and 3 meters per second, respectively. Achha, the distance AB is 200 and B is 15 meters higher than A. For the motion from A to B, find the loss in kinetic energy of the body, theek hai, and the gain in potential energy of the block. Theek hai. अच्छा इम्पोर्टेंट बात ये कि पहले हमें इसकी ना डायग्राम देख लेनी चाहिए जरा तरीके से. सो ओके तो एक ये स्ट्रेट हिल है अगर और इसको इस तरह कर देते हैं और उस मास की दो पोजीशंस हैं. एक पोजीशन ए है, यहाँ पे हम ए पे हैं और यहाँ पे हम बी पे आ चुके हैं. का मास है और बी इज 15 मीटर्स हायर देन ए. सो जो बी पॉइंट है वो 15 मीटर्स हायर देन ए है. ए की हाइट नहीं बताई हुई उन्होंने, लेकिन यह भी एक मसला. तो ये है जी हमारे पास और ये लेंथ है मुझे जो पता, दैट इज 15. अच्छा यहाँ पे ना अब मैं कुछ ट्रिक्स हैं वो आपको दिखाने लगा हूँ. सो ए से लेके बी के ऊपर 15. अच्छा हम ए के ऊपर हाइट नहीं पता तो उसका क्या करेंगे वो मैं अभी बताता हूँ आपको. उस पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं ले सकते आप, ठीक है, ये याद रखना. क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी जीरो आप सिर्फ तब ले सकते हो व्हेन इट सेज कि आप ग्राउंड के ऊपर हो, ठीक. अच्छा हम ए से बी तक आपने जब जाना है तो उसका क्या करना है वो देखते हैं. अच्छा ए बी का जो डिस्टेंस है ना, ये वाला डिस्टेंस उन्होंने खैर हमें बताया हुआ है, ये 200 मीटर्स का डिस्टेंस है. अच्छा ये डिस्टेंस भी हमें दो कामों में हेल्प करेगा इवेंचुअली. अगर देखो तो आपको ये ट्रायंगल नजर आ रहा है, आपको ये अल्फा निकालने में, ये वाला अल्फा निकालने में ये हेल्प करेगा. अच्छा लॉस, अच्छा यहाँ पे स्पीड है जी 7 और यहाँ पे स्पीड है 3. अच्छा लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक और गेन इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ब्लॉक. अच्छा देख लेते हैं. अब मैं अगर काइनेटिक एनर्जी देखता हूं, ए के ऊपर निकाल लेते हैं, बी के ऊपर निकाल लेते हैं और फिर यहाँ पे गेन और लॉस देख लेंगे. जी ए के ऊपर काइनेटिक एनर्जी थी हाफ, एम था 50 इंटू 7 स्क्वायर और यहाँ पे थी हाफ इंटू 50 इंटू 3 स्क्वायर. ये जरा मुझे प्लीज कैलकुलेशन बताना. 12 25 और दूसरे में 225 जूल्स. तो अब देखो हमें लॉस पता चल रहा है डायरेक्टली कि ए से बी तक लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी कितने का आ गया, ठीक है. सो लॉस is 1000 joules. जी मुझे बताओ ए के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है. कैन आई से जीरो? नो, वी कैन नॉट से जीरो. जीरो नहीं कह सकते क्योंकि कुछ तो है हाइट उसकी, ठीक है. सो अगर आपको यहाँ पे हाइट ना पता हो तो आप पोटेंशियल एनर्जी आपने याद रखना है, यहाँ पे आपने कुछ भी एक्स लिख देना या वाई लिख देना, जीरो नहीं लिखना आपने, ठीक है, क्योंकि वो आगे कॉन्सेप्चुअली एक जगह पे गड़बड़ करेगी, ठीक है. अच्छा तो बी के ऊपर फिर पोटेंशियल एनर्जी क्या है? एक्स प्लस, नहीं एक्स तो उसके पास पहले थी ना. हाँ तो एक्स उसके पास पहले थी प्लस और उसने जितनी एमजीएच गेन की, ठीक है, क्योंकि 15 ऊपर चला गया ना. सो एक्स तो उसके पास पहले है प्लस मैस है 15, जी है 10 into height है 15. तो अब कितनी होगी x plus 7500. तो हमारे पास gain and potential energy कितने का आया हुआ है?
7500 जूल्स, ठीक है। तो आपने याद रखना है, जब भी मुझे पता है हमें से साइंसेस वाले लोग डायरेक्ट ये एमजीएच देख सकते हो, ठीक है। तो ये मैं एक्स वाला कॉन्सेप्ट क्यों डेवलप करवा रहा हूँ, क्योंकि ये अभी हमारे बिफोर आफ्टर में आएगा। बिफोर में वहां पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी लिखनी पड़ेगी ए के ऊपर, ठीक है। तो वहां पे आपने एक्स लिखनी है और बाद वाली को एक्स प्लस 7500 लिखना है, ठीक है। बिकॉज आई नो हम फिजिक्स में सीधा देख सकते हैं कि यहां से यहां तक जो गेन इन पोटेंशियल एनर्जी आया हुआ है वो ये सिर्फ इतना गेन इन पोटेंशियल एनर्जी आया हुआ है। तो मुझे पता है आप डायरेक्ट एमजीएच से 7500 देख सकते हो, ठीक है। लेकिन x वाला कॉन्सेप्ट क्या है कि जब तक आपको उस जगह के ऊपर वैल्यू नहीं पता तो वहां पे जीरो नहीं लिखना, वहां पे x लिखना है, ठीक है। अच्छा अभी देखते हैं, अभी नहीं बताया उन्होंने। अच्छा लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी हो गया, काइनेटिक हो गया, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी ये भी करके दे दिया। द रेजिस्टेंस टू द मोशन ऑफ द ब्लॉक इज 75 न्यूटन, जी ये ऊपर को जा रहा है ब्लॉक और जो रेजिस्टेंस है वो 7.5 न्यूटन है, ठीक है। अच्छा फाइंड द वर्क डन बाय पुलिंग फोर्स, जी इधर देखो वर्क डन बाय पुलिंग फोर्स निकालना, क्या लगाएंगे बिफोर आफ्टर लगाएंगे, जी बिफोर पे ए था और आफ्टर पे बी था, जी पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड वर्क डन बाय The driving force, after में क्या क्या आता है, potential energy, kinetic energy, and work done against friction या resistance. जी अब देखते हैं potential energy x है पहले और बाद में कितनी है x plus 7500, इस x ने कट जाना होता है। kinetic energy पहले कितनी है जी 1225 और बाद में कितनी है 225। वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स हमने निकालना है तो ये ब्रैकेट हमारी होगी कंप्लीट इज इक्वल टू दिस, जी वर्क डन अगेंस्ट रेजिस्टेंस कितना होएगा, वर्क डन अगेंस्ट रेजिस्टेंस ये ला गया मैं, रेजिस्टर 4 है 7.5 तो वर्क डन क्या होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है, जी 7.5 को किस डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे उसके पैरेलल डिस्टेंस से, 7.5 किससे मल्टीप्लाई होगा अपने parallel distance से multiply होएगा, so this would be 7.5 times 200, तो ये अब हमारे पास equation आ गई x plus 1225 plus work done by driving force is equal to x plus 7500 plus 225 plus 7.5 into 200, ठीक है। x तो कट जाएगा फॉरन और यहां से आप वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स निकाल लोगे। मार्क्स इतने कम क्यों दिए हैं हालांकि सारे कंपोनेंट्स फेल करवाए हैं, मार्क्स इतने कम क्यों मिले हमें, हमें वी जस्ट गॉट 2 मार्क्स फॉर इट। हाँ उन्होंने सारी चीजें ऊपर निकलवा ली हुई है 4 मार्क्स की आपसे, ठीक है। ये देखो ये वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है ऊपर, ये वैल्यू ऑलरेडी है ऊपर यहाँ से, ठीक है। उसके बाद ये x वैल्यू ऑलरेडी पड़ी हुई है, x plus 7500 पूरा पड़ा हुआ है, so technically हमें इस पार्ट में सिर्फ एक वर्क डन निकालना पड़ा, वर्क डन अगेंस्ट रेजिस्टेंस निकालना पड़ा सिर्फ, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं करना पड़ा। सो 7.5 into 200, जी द पुलिंग फोर्स एक्टिंग ऑन अ ब्लॉक हैज अ कॉन्स्टेंट, अब यहाँ पे अभी पुलिंग फोर्स दिखाई नहीं हुई उसने, ठीक है। Pulling force on the block has a magnitude of 45 and is acting at an angle of alpha upwards from the hill. जी, कहाँ पे pulling force लग रही है? इस तरह। कितने की है बेटे? 45 की। और किस angle पे लग रही है? Alpha. तो उसके components बन रहे होंगे. Let's break those components down. ये होगा 45 cos alpha, ये बात सबको समझ आ गई। एक दफा दोबारा पढ़ लो फोर्स कहां लग रही है। द पुलिंग फोर्स जो बॉक्स को ऊपर लेके जा रही है एक्ट्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक हैज अ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ 45 एंड एक्ट्स एट एन एंगल अल्फा अपवर्ड्स फ्रॉम द हिल। हिल की लाइन तो ये है बेटी, ये है हिल की लाइन,
इससे भी अपवर्ड्स तो ऊपर की तरफ को अल्फा जाना था उसके बाद, ठीक है। अच्छा तो उन्होंने कहा अल्फा निकाल के दें। अभी आपने पिछले पार्ट में क्या निकाला है, वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स, ठीक है। अच्छा अगर आप वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स खुद निकालते, तो कौन सी फोर्स और कौन सा डिस्टेंस मल्टीप्लाई करते हैं, जरा देख के बताओ। ये लो ये आपकी डायग्राम है। अगर आप वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स निकालते खुद से यहां से, तो कौन सी फोर्स और कौन सा डिस्टेंस मल्टीप्लाई करते, ड्राइविंग फोर्स को नेट फोर्स नहीं लेना होता, सिर्फ ड्राइविंग फोर्स लेना होता है। क्या चीज, हाँ लेकिन हमने नेट नहीं लेनी होती ना, डब्ल्यू जी को एफ इन टू डी में डिजायर्ड फोर्स लेनी होती है। हम किसका वर्क डन निकालना चाह रहे हैं, जिस फोर्स का वर्क डन निकालना चाह रहे हैं सिर्फ वो फोर्स लेनी होती है, ठीक है, नेट फोर्स नहीं लेनी होती। याद है यहाँ पे मैंने भी एक जमानों में ये डब्ल्यू जी को एफ इन टू डी में एफ क्या होती है, डिजायर्ड फोर्स, मतलब वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स निकालना है तो सिर्फ ड्राइविंग फोर्स लेना, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन निकालना है तो यहाँ पे सिर्फ एफ की जगह फ्रिक्शन लेना, ठीक है, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी निकालना है तो सिर्फ वेट लेना, ठीक है, सो सिर्फ ड्राइविंग फोर्स लेना यहाँ पे। अच्छा बेटे तो क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 45 cos अल्फा इनटू उसका पैरेलल डिस्टेंस, पैरेलल डिस्टेंसेस होते हैं ना, दोनों का पैरेलल होना जरूरी है, तो इसलिए 45 पूरी फोर्स नहीं ले सकते थे क्योंकि वो डिस्टेंस के पैरेलल नहीं आ रही थी, सो सिर्फ फोर्स का उतना पोर्शन जो डिस्टेंस के पैरेलल था वो दोनों लेके मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स आना चाहिए। सो मेरे पास आना चाहिए 45 cos अल्फा इनटू 200, और हम पिछले पार्ट में वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स निकाल चुके हैं, सो 8000 इज इक्वल्स टू 45 cos अल्फा इनटू 200, सो आई थिंक दिस इज 40 इज इक्वल्स टू 45 cos अल्फा, so cos alpha is equal to 8/9, yahan se alpha nikal, thank you, yahan se alpha nikal lo,